हमारी हिजरत को 76 बरस हो गए हैं। अब हम सिंधी हैं, मुहाजर के नाम पर सियासत करना गलत है। दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, जबकि नमक हराम पैदा करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बरस तक दिफाही बजट, ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्चियां और सरकारी अयाशियां बंद कर दें, मुल्क का सारा कर्जा उतर जाएगा। इसराइल में सूद की शरह 4%, इंडिया में 60% और पाकिस्तान में 20% है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुरमत सूद कॉन्फ्रेंस का आगाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है। मस्जिद में रहकर अपने जूतों की फिक्र में रहने से गलियों में आवारा फिरते हुए खुदा को याद रखना बेहतर है। जरूरी नहीं है कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। शादी पर खाने का 2 घंटे इंतजार करने वाली कौम, मस्जिद में नमाज के लिए इमाम साहब का 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। पैसा वो साबुन है जो बदनामी और बुराई के हर दाव को धो देता है और आपको जमाने में मोतबर बना देता है। लोटों, नोटों और बूटों की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। कोई पहली बार वजीर आजम बनकर अजीम तरीन बन गया और कोई 3 बार वजीर आजम रहकर भी जलील बन गया। पहले जमाने में अमीर लोग अपनी तारीफ के लिए मिरासी रखते थे और अब सहाफी रखते हैं। इस्लाम में सूअर, शराब और जुआ, जना, सूद और रिश्वत हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे अभी तक सूअर बचा हुआ है। मजबूत लोग दूसरों को नीचा नहीं गिराते बल्कि उनको ऊपर लेकर आते हैं। दूर से अच्छी और खूबसूरत दिखने वाली चीज, किसी भी चीज को हकीकत मत समझो। आपका बहुत ज्यादा फजूल बोलना इस बात का सबूत है कि आपके अंदर कुछ खास नहीं। तेजी से गुजरता हुआ वक्त हमें ये बता रहा है, जिंदगी में कहीं भी रुक जाना बेवकूफी है। नाकामी का खौफ ही नाकामी का बायस बनता है। जब आप किसी गलती को दूसरी बार दोहराते हैं तो अब ये गलती नहीं होती, ये आपका फैसला होता है।